हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड डायरीज बाय निशा। एंड आज मैं आपको उल्टा वड़ा पाव की रेसिपी बताने वाली हूँ। बहुत इजी है। सबसे पहले मैंने इसका चटनी बनाया, तो इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया। उसके अंदर मैंने 20 to 25 क्लोव्स गार्लिक के लिए, उसे थोड़ा सा रोस्ट किया। एंड इसके अंदर 2 टेबलस्पून पीनट्स डाला। पीनट्स डालने के बाद इसे फिर से 2 मिनट्स तक रोस्ट किया अच्छे से। और 2 मिनट्स के बाद मैंने इसमें सेसमे सीड्स ऐड किए, तो यहाँ पे मैंने वाइट सेसमे सीड्स लिए हैं 1 टेबलस्पून। एंड उसके बाद 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर क्यूमिन सीड्स ऐड किए एंड 1/4 टेबलस्पून फेनुग्रीक सीड्स ऐड किए, मेथी सीड्स बेसिकली। उसके बाद मैंने इसे 2 मिनट तक रोस्ट किया एंड उसके अंदर ड्राई कोकोनट ऐड किया, तो मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून ड्राई कोकोनट लिया है। एंड इसके बाद फ्लेम को बंद करके इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दिया एंड फिर इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाला ग्राइंड करने के लिए। तो ग्राइंड करने से पहले मैंने इसके अंदर थोड़े मसाले और ऐड किए, जिसमें मैंने 1/2 टेबलस्पून रेड चिली लिया है, 1/2 टेबलस्पून ड्राई मैंगो पाउडर लिया है एंड 1/2 टेबलस्पून ही कोरिएंडर पाउडर लिया है एंड 1/4 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर। और सोल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसके बाद इसे ग्राइंड कर लीजिए एंड ये आपकी ड्राई गार्लिक चटनी रेडी हो गई। इसके बाद मैंने आलू का मसाला रेडी किया, तो उसके लिए मैंने मस्टर्ड सीड्स ऐड किए 1/2 टेबलस्पून एंड 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड किया। और 2 ग्रीन चिली को मैंने यहाँ कट कर लिया है और इसे 2 मिनट के लिए चलाया। एंड इसके बाद मैं इसमें बॉइल्ड पोटैटो ऐड करूँगी, तो मैंने यहाँ 1 कप बॉइल्ड पोटैटो लिए हैं। तो पोटैटोज़ ऐड करने के बाद आप इसे चलाते रहें। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, तो 1/4 टेबलस्पून मैंने टर्मरिक पाउडर लिया है, 1/4 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर एंड सोल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ये सब ऐड करने के बाद मैंने इसे 5 मिनट्स तक कुक किया एंड इसके अंदर कोरिएंडर डाल दिया। बस ये मेरा आलू का मसाला भी रेडी हो गया है एंड अब मैं बेसन का बैटर रेडी करूँगी। तो इसके लिए मैंने 1 कप ब्राउन फ्लोर लिया है, 2 टेबलस्पून इसके अंदर राइस फ्लोर लिया है जो इसे क्रंची फ्लेवर देगा एंड सोल्ट ऐड किया है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, टर्मरिक पाउडर लिया है 1/4 टेबलस्पून एंड 1/4 टेबलस्पून ही रेड चिली पाउडर लिया है। बस अब इसके अंदर वाटर डाला एंड इसका एक बैटर बना लिया। तो जैसे हम पकौड़ों के लिए बैटर बनाते हैं, सेम उसी टाइप का इसका बैटर बनेगा। बस आप इसका ध्यान रखिएगा कि इसमें लम्ब्स ना पड़े, अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए एंड ये हमारा बैटर रेडी हो गया। अब इसे साइड में रख के मैंने यहाँ 2 पाव लिए, उन्हें बीच में से कट किया एंड इसके बाद अब मैं इसमें चटनी ऐड करूँगी। तो मैंने 2 चटनीज ली हैं, ड्राई गार्लिक की एंड ग्रीन चटनी। तो ड्राई गार्लिक की चटनी ऐड की मैंने, उसके बाद उसके दूसरी साइड पे ग्रीन चटनी ऐड की। ये बहुत ईजी है, आप धनिया पुदीना एंड थोड़ा गार्लिक डाल के इसे ग्राइंड कर लीजिए और ये आपकी चटनी रेडी हो जाएगी। इसके बाद मैंने इसमें आलू की पिट्ठी बना के ऐड की, इसे कवर किया एंड बस अब इसे बैटर के अंदर डालना है। इसे बैटर से अच्छे से कवर कीजिए और फ्राई कर लीजिए। तो गैस को आप मीडियम पे ही रखिए ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए इसका बेसन। इसे अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लीजिए एंड उल्टा वड़ा पाव रेडी हो जाएगा। तो मैंने इसे अच्छे से फ्लिप करके दोनों साइड से कुक कर लिया। एंड सेम प्रोसेस से मैंने दूसरा वड़ा पाव भी फ्राई कर लिया। तो दोनों को रेडी होने के बाद आप इसे 2 पार्ट्स में कट कर लीजिए एंड सर्व कीजिए टी के साथ। तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई करना एंड मेरी वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस, बाय।